हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल लर्न एंड मस्ती में आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो मैं नोबिता के लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको नंबर 17 की मदद से बहुत ही इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना सिखाऊंगी नोबिता। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि जब आप 17 को ड्रॉ करोगे तो उसके बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस होनी चाहिए, 1 और 7 के बीच में लगभग इतनी। देखो आप, ये हो गई। अब आपको 1 को 7 के साथ ऐसे मिला देनी है। अब आप यहाँ से 2 सर्किल करो इस तरीके से, और थोड़ी सी ध्यान रखना कि दोनों सर्किल जो है आपस में मिली होनी चाहिए इस तरीके से। और यहाँ पे एक छोटी सी लाइनिंग करके यहाँ पे आप सी के शेप में ईयर बना दो, और यहाँ थोड़ी सी लाइनिंग को कर्व करते हुए आपको यू शेप देनी है इस तरीके से। ये हो गई। अब आप यहाँ से इसकी हेयर बनाओ, तो ईयर के सामने से लाइनिंग करते हुए आपको यहाँ तक मिला देनी है, और यहाँ छोटी छोटी 2 लाइनिंग कर दो, जैसे कि नोबिता की हमेशा रहती है, आप देखे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप बस स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ फॉलो करो तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ पूरी ड्रॉ को, आप ध्यान से देखना। तो यहाँ पे नोबिता कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे कलर करके भी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं येलो कलर यूज़ कर रही हूँ उसके शर्ट के लिए। जैसा कि फ्रेंड्स मैं हमेशा बताती आई हूँ कि जब भी आप कलर करो तो पहले बॉर्डर को कलर करो, उसके बाद ही आप अंदर में कलर फिल करना। तो मैं यहाँ पे वैसा ही कर रही हूँ। और अब मैं पैंट के लिए डार्क ब्लू यूज़ कर रही हूँ। ठीक ऐसे ही आपको हेयर को भी ब्लैक से करनी है, बस आपको ध्यान देनी है थोड़ी सी कि कलर बाहर ना निकले। ये हो गई। अब आपको इसी तरीके से ये ब्लैक कलर से पूरी पिक्चर को, आपको जितनी भी पेंसिल की लाइनिंग है पूरी को आपको इसी तरीके से बॉर्डर देनी है। मैं करके आपको दिखाती हूँ और आप भी ऐसे ही करो। तो देखो ये हो गई। अब आपको रेड कलर लेनी है और इसके टंग में आपको रेड कलर को डालनी है। थोड़ी सी ध्यान से देना क्योंकि ये बहुत छोटी जगह है और कलर बहुत ही मोटी है, तो आराम से करना। और यहाँ पर मैं ब्राउन दे रही हूँ साइड में कॉर्नर में, और अगेन आपको ब्लैक कलर से इसे बॉर्डर करनी है, तो थोड़ी सी ध्यान से आप करना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी कंप्लीट हो गई नोबिता की पिक। और मैं नेक्स्ट वीडियो आपको सुजुका के साथ लाऊंगी नोबिता को, उसमें आप देखना क्योंकि बहुत बच्चे इसे साथ में पसंद करते हैं। और यहाँ पे मेरी जगह कम थी तो मैं हाफ ही बताई, पर अगर आपको शूज के साथ अगर बनानी है तो मैं वो भी आपको बता दे रही हूँ कि ऐसे करनी है। यहाँ पे मेरी लाइनिंग से बाहर जा रही है इसलिए मैं हाफ ही की थी, और यहाँ पे आपको बताने के लिए मैं दिखा रही हूँ कि आपको भी ऐसे करना अगर आप पूरी करना चाहते हो तो। तो देखिए ये कंप्लीट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, ताकि मैं आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।